Hello friends, today I will discuss about the class 10 chapter 1. बात करते हैं chemical reactions and equations. किसके बारे में बात करते हैं? Chemical reactions and equations. तो ये बात मैं आपको बता दूँ, बहुत important chapter है आपके लिए और आगे आएगा. Basic अपन पढ़ेंगे, ये बात आप याद रखना. तो अपन बात करते हैं किसके बारे में? Chemical reactions. तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि राइट टू और मोर देन टू सब्सटेंस. जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कम्बाइंड हो जाते हैं एंड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कम्बाइंड हो जाते हैं और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन. उनको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. जब बात अपन याद रखेंगे तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा. क्या? कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं और टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन. उनको क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. ये बात आप याद रखेंगे. एंड बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल अपन को देखने को मिल सकते हैं. यानी कि किस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि अपने डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी. जैसे कि अपन बात करते हैं शॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का फटना भी एक केमिकल रिएक्शन है. उन्होंने किस तरीके से, कि आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि गर्मियों के दिन, है ना, ड्यूरिंग द समर डे दूध बहुत जल्दी फट जाता है. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड. क्योंकि उसमें किसका फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड का. और लैक्टिक एसिड की वजह से केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती हैं और जिसकी वजह से दूध फट जाता है. ये बात आप याद रखेंगे. तो शॉरिंग ऑफ मिल्क इज आल्सो ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे. जैसे कि अपन बात कर सकते हैं राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना. राइपिंग ऑफ फ्रूट्स इज आल्सो ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. जैसे कि फल जब कच्चे होते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, बट आफ्टर द सम टाइम, कुछ समय बाद जब पक जाते हैं तो उनमें कलर चेंजेस हो जाता है, इनका टेस्ट भी बदल जाता है. क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इनसाइड द फ्रूट्स. क्योंकि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं. जब बात आप याद रखें. दूसरे पर बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. किसके बारे में बात करते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बात करते हैं. तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. रस्टिंग ऑफ आयरन भी किसका एग्जाम्पल? केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है. रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो जरा समझना. जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे कि आयरन आर्टिकल, सपोज ये आयरन की कोई आर्टिकल्स है और इसको हम क्या करते हैं, जब आपने प्लेस कर दिया और इन द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर और एयर के प्रेजेंस में, इट मीन्स मॉइस्चर एंड एयर के प्रेजेंस में, इस पर अनवांटेड लेयर इज डिपॉजिट. कौन सी? अनवांटेड लेयर इज डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल, दैट इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन. उसे अपन क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं. मतलब कहने का, अपनी लैंग्वेज में बोल, जंग लगना. क्या? जंग लगना मतलब होता है रस्टिंग ऑफ आयरन. जंग आई मीन रस्ट. रस्ट एक केमिकल फॉर्मूला भी होता है. इसे कहा जाता है Fe2O3.xH2O. एक्स यहाँ पे इंडिकेट करता है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. बात याद रखना, ये फॉर्मूला होता है रस्ट, इट मीन्स जंग जो लग जाती है आयरन आर्टिकल्स. तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन से. तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं केमिकल रिएक्शन के, है ना. अपन बात करते हैं, अब आता है केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया ना सभी के? केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेज आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं एंड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज. और क्या बनाते हैं? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन. उन्हें क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. ये बात आप याद रखना, विथ न्यू प्रॉपर्टीज. याद रखेंगे इस बात को भी कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन कुछ प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आ जाते हैं. ये बात याद रखना है. और केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया है ना. और डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल, ये तो सब छोड़ो, अपनी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं. अपनी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब क्या है? ये सब केमिकल रिएक्शन ही तो है. तो ये सब क्या कहलाती हैं? केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं. और डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं. अब आता है केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन वो जब अपन सिंबॉलिक तरीके से, सिंबॉलिक मतलब होता है इनकी सिंबल्स के अकॉर्डिंग, इनको जब रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन. क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशंस कहते हैं. जब बात आप याद रखेंगे, जैसे कि अपन बात करते हैं ए प्लस बी, ए
एरो का साइन जो होता है इसको कहते हैं गिब्स, क्या कहते हैं गिब्स, क्या बना सपोज सी प्लस टी। समझना मेरी बात को कि क्या हुआ ए प्लस बी मतलब इन दोनों का कंबाइन हुए, ये दोनों क्या हुए कंबाइंड। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट करते हैं या कंबाइंड होते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट, उन्हें अपन क्या कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। इस बात को अपन याद रखेंगे और रिएक्ट होने के बाद जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं सपोज ये, तो उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट, क्या कहते हैं इनको प्रोडक्ट कहते हैं, इस बात को अपन याद रखेंगे। दूसरा ये जो एरो का साइन होता है इसको कहते हैं गिब्स, ये इंडिकेशन करता है कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, या फिर ऐसे भी होता है ये साइन जब कहीं पर भी आपको मिल जाए तो समझ जाना रिवर्सिबल। ये रिएक्शन कैसी है रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकते हैं और इन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट लौट के वापस भी बन सकता है। तो बात समझ में आ गई आपको कि केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन, है ना, इन सिंबॉलिक में किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करें इनके सिंबल्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं तो इन्हें कहा जाता है केमिकल इक्वेशन, क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं, है ना। तो जो आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट और जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं इनको कहते हैं प्रोडक्ट, इनको क्या कहा जाता है प्रोडक्ट कहा जाता है। और जो एरो का साइन होता है इसे कहते हैं गिब्स, क्या कहते हैं गिब्स, ये इंडिकेशन करता है कि इन सब्सटेंसेस ये सब्सटेंसेस बन। अपन आगे बात करते हैं तो बात एक भी बात याद रखना कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, समझना जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो बहुत सारे चेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, तो देखते हैं कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला चेंज चेंज इन कलर, कलर का मतलब अरे यार कलर का मतलब होता है जैसे कि फलों का पकना, उनका फलों का पकना कैसे, तो देखिए जब फल कच्चे होते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, जब फल कच्चे होते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं और आफ्टर द सम टाइम कुछ समय बाद जब वो पक जाते हैं तो कलर में चेंज हो जाता है, कैसा कलर हो जाएगा येलो या ऑरेंज, है ना। तो ये बात याद रखना कि फल कलर चेंज होना ये मतलब है कि चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन है तो कलर में भी चेंजेस आ सकते हैं। और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं जैसे कि मेथाइल ऑरेंज, एक मेथाइल ऑरेंज होता है सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाता है जो आपको ये इंडिकेशन कराता है कि ये एसिडिक है कि ये बेसिक है। तो मेथाइल ऑरेंज को जब अपन किस में ऐड करते हैं बेस में ऐड करते हैं, किस में बेसिक सॉल्यूशन, जब मेथाइल ऑरेंज को बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो येलो कलर हो जाता है, वैसे ऑरेंज कलर होता न्यूट्रल कैसा कलर होता है ऑरेंज, और जब इसको किस में डालते हैं बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इसका कलर हो जाता है येलो, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई। दूसरा और जब अपन इसको किस में डालते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है रेड, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन जब होती है तो कलर में चेंजेस भी आते हैं। आ गया तो चेंज इन कलर, ये पहला चेंज आपको देखने को मिलेगा। दूसरी अपन बात करते हैं चेंजिंग स्टेट, किसके बारे में बात करते हैं चेंजिंग स्टेट। हाँ जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आती है तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलता है। तो पहला चेंज तो हो गया चेंजिंग कलर, पहला कौन सा हो गया चेंजिंग कलर। दूसरी अपन बात करते हैं चेंजिंग स्टेट, मतलब उसके स्टेट में भी चेंजेस आ जाते हैं। उन्होंने कहा स्टेट में कैसे, ऐसा है कि जब मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि उसमें क्या होते हैं आपको पता है कि जो कर्ड जो होता है, कर्ड बनता कैसे मैं बता देता हूँ आपको, जब दूध जो होता है यानी मिल्क जो होता है मिल्क से कर्ड बनता है। तो मिल्क को जब अपन गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जब उसको ठंडा किया जाता है तब अपन उसमें लगाते हैं थोड़ा सा कर्ड, क्यों लगाते हैं क्योंकि कर्ड कंटेन द लैक्टोबिलियस बैक्टीरिया, कौन से लैक्टोबिलियस बैक्टीरिया, लैक्टोबिलियस बैक्टीरिया इसमें हेल्पफुल होते हैं, किसके लिए हेल्पफुल होते हैं सेचिंग ऑफ कर्ड, दही को बनाने के लिए। याद रखना दही किसकी वजह से बनता है बैक्टीरिया की वजह से जमता है, वो भी होते हैं लैक्टोबिलियस, कौन से होते हैं लैक्टोबिलियस बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द कर्ड, मिल्क इसमें कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जब बात याद रखना। तो ये भी स्टेट चेंज हुई।
ऐसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंज इन स्टेट भी देखने को मिलेगा। दूसरे अपन बात करते हैं किसके बारे में, जैसे कि अपन बात करते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं कलर चेंज का, उसका स्टेट चेंज का। कौन सा? हमने कहा कार्बन को बर्न करना। जब अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, वैसे आपको पता है कि किसी भी चीज़ को जब अपन बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, विदाउट ऑक्सीजन तो बर्निंग हो ही नहीं सकता। जब किसी चीज़ को अपन जलाते हैं मतलब बर्न करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही होनी चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन तो किसी भी चीज़ को जला ही नहीं सकते। तो जब चेंजिंग किसकी बात आती है, चेंजिंग स्टेट की बात आती है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कार्बन को जलाना। जब हम क्या करते हैं, जैसे कि पेपर या किसी भी चीज़ को कार्बन को जलाते हैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात याद रखना, गैस की बात करें या स्टेट की बात करते तो वहाँ सॉलिड था, गैसेस स्टेट में चेंज हो गए। तो ये बात याद रखना, तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस क्या हुआ, केमिकल। तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, पढ़ लिया ना अपने। क्या सबसे पहला चेंजेस क्या हो गया, चेंज इन कलर, दूसरा कौन सा हो गया, चेंज इन स्टेट, तीसरे अपन ने क्या पढ़ते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, क्या चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर है ना। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब कि एक बात और बता दें सर, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या एनर्जी उसमें से रिलीज होगी। समझ में आ गया? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी या तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो अपन क्या देंगे, हीट देंगे उसको, है ना, हीट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगी, या फिर जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो हीट भी रिलीज होगी। ये बात याद रखना, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल। कौन सा? जैसे आपने देखा होगा दीपावली के दिनों अपन क्या करते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कच्चा चूल्हा, जब अपन इसकी रिएक्शन किसके साथ कर देते हैं, इसको वाटर में जब डिजोल्व करते हैं, जब अपन ने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो क्या होता है, अब जब इसको डिजोल्व करते हैं तो लार्ज अमाउंट में क्या निकलता है, हीट चलते है। आपने देखा होगा जब अपन क्या करते हैं, कलई कहते हैं आई थिंक, कलई को जब अपन पानी में डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, बबल्स फूटने लगते हैं, तो लार्ज अमाउंट में हीट निकलने, इवोल्यूशन ऑफ हीट का निकलना। तो ये बात याद रखना, हीट मतलब एनर्जी है ना। तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट एनर्जी। इसकी बात करते हैं तो इसको कहा जाता है स्लेट लाइन। क्या कहते हैं इसको? स्लेट लाइन कहते हैं। जब आप याद रखें, भुजा हुआ चूना इसका यूज होता है कहाँ, वाइट वॉश, दीवारों को पोतने के लिए, दीवारों को साफ पोतने के लिए चूना जो आता है 10 नंबर उसके साथ खाने के लिए, तो अपन इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इसका। तो ये बात याद रखना, तो जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो एनर्जी की या फिर रिक्वायरमेंट होगी या एनर्जी उसमें से रिलीज होगी। तो बात समझ में आ गई, तीन चीज़ें अपन ने पढ़ ली, एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो समझिए, इवोल्यूशन का मतलब होता है निकलना, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, निकलना, रिलीज होना। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं तो गैस भी इवॉल्व होती है। हमने कहा कैसे, गैस कैसे, तो एक बात है बता दें, बेस्ट एग्जाम्पल है सर, जब मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ, किसके साथ करा, एसिड के साथ, तो क्या देखने को मिलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस निकली सर, हाइड्रोजन। तो याद रखना कि जब कोई केमिकल रिएक्शन है होती है तो गैस भी निकल सकती है, ऐसा नहीं है सारी, आप सोचो कि सारी केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें गैस निकले, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहो कि सारी केमिकल रिएक्शन है तो सर स्टेट चेंज, सब में स्टेट चेंज होने, किसी में होती है किसी में, तो ये चेंजेस हो सकते हैं। ये बात याद रखना, मेटल के हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम ले लिया, ऐसे की बात करते हैं HCl ले लिया, तो क्या बना, NaCl KH, ये साइन जो होता है इसका मतलब होता है इवोल्यूशन, निकलना, क्या होता है, इवोल्यूशन, निकलना। तो समझ में आ गया, क्या पढ़ लिया हमने, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो चार चेंजेस पढ़ लिए, कौन कौन से, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और एक बार बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ PPT, क्या
फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी की बात करते हैं तो पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं इसको? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जब दो सॉल्यूशंस, समझना, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर कंबाइंड, जब दो सॉल्यूशन को अपन क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, देन वन सॉल्यूशन तो बनेगा, एक सॉल्यूशन तो बनेगा, नया सॉल्यूशन बनेगा, और उसमें जो एक सब्सटेंसेस होगा वो इनसॉल्युबल होगा। कैसा होगा? इनसॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होता है उसे ही कहा जाता है पीपीटी, मतलब प्रेसिपिटेट। द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शंस, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी भी अनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेट, एंड दिस रिएक्शन इज नॉन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और उस रिएक्शन को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आ गया आपके? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि जब ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा हो तो उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेट। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि हमने ले लिया Na2SO4, बहुत अच्छे से जानते हैं, सोडियम सल्फेट। क्या कहा जाता है इसको? सोडियम सल्फेट, लिक्विड एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं। प्लस दूसरा ले लिया BaCl2, ये भी एक्वस फॉर्म में, मतलब पानी में घुला हुआ है, एक्वस मतलब वाटर में घुला हुआ है। अब जब इन दोनों में रिएक्शन होती है तो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी नहीं पढ़ा सकता टाइप ऑफ रिएक्शन है, जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी टाइप्स ऑफ